Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना, अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा तना कादिर, कौकब फारूकी, नर्गिस ज़ुल्फ़िकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। IMF की जानिब से कर्ज के इजरा में गैर मामूली ताखीर हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF के नवे जायजे की शराइत पूरी कर दी हैं। अमरीकी जरीदे का कहना है कि IMF प्रोग्राम ना मिला तो मौशी हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, चेयरमैन PTI और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन को PTI के एतराज़ात पर समात का हुक्म। यूनान कश्ती सानहा, लापता पाकिस्तानियों की तादाद 83 हो गई। जबहक 12 पाकिस्तानी कानूनी तौर पर लीबिया गए थे। बच जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों के साथ बोट में ज़िलत आमेज़ रवैये का इंकशाफ। जमातुल अहरार और TTP का अहम दहशतगर्द कमांडर हलाक। पेशावर पुलिस लाइंस हमले का मास्टरमाइंड दहशतगर्द सरबकफ मोहम्मद जहर से हलाक हुआ। सरबकफ मोहम्मद तवील अरसे से दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस था। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Chashma 5 nuclear plant ki taameer ki mafahmati yaadash ki taqreeb se khitab karte hue Wazir-e-Azam Shehbaz Sharif ne kaha ki IMF ki sharait puri karne ke bawajood muahide mein गैर मामूली ताखीर हो रही है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF की जानिब से कर्ज के इजरा में गैर मामूली ताखीर हो रही है। चश्मा 5 न्यूक्लियर प्लांट की तामीर की मफाहमती याददाश्त की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF की शराइत पूरी करने के बावजूद मुआहदे में गैर मामूली ताखीर हो रही है। चीन ऐसे वक्त में हमारी मदद और रेस्क्यू के लिए आगे आया। पाकिस्तान को चीन के अलावा दीगर दोस्त ममालिक का भी तआवुन हासिल रहा है, लेकिन खास तौर पर इस मौके पर चीन की जानिब से माली मदद इंतहाई अहम है, जिसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। वजीर आजम का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने IMF के साथ नवे जायजे के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। ताहम मुआहदे में गैर मामूली ताखीर हो रही है, मगर चीन के साथ सऊदी अरब और कतर ताहाल पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। वजीर आजम का मजीद कहना था कि मंसूबे की बुनियाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में रखी गई थी। पिछली हुकूमत ने इस मंसूबे को सर्द खाने में डाल दिया था। पाकिस्तान की नई फौजी क्यादत का शुक्रगुजार हूँ कि इस मंसूबे में गहरी दिलचस्पी ली। ये मंसूबा सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के वन पेज पर होने का नतीजा है। दूसरी जानिब अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने खदशा जाहिर किया है कि IMF के साथ मुआहदा ना हुआ तो हालात बिगड़ सकते हैं, जबकि पाकिस्तान
IMF से अक्टूबर में नए प्रोग्राम पर मुजाकरात कर सकता है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अगर IMF प्रोग्राम ना मिला तो मौशी हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान IMF से अक्टूबर में नए प्रोग्राम पर मुजाकरात कर सकता है और इसके साथ डिफॉल्ट से बचने के लिए दोस्त मुल्कों से भी मुआवनत की जरूरत है। दूसरी जानिब बैंक ऑफ चाइना से 30 करोड़ डॉलर आज पाकिस्तान को मौसूल हो जाएंगे। ज़राए का कहना है कि बैंक ऑफ चाइना की तरफ से रकम की मुंतकली के हवाले से स्विफ्ट कोड पाकिस्तान को मौसूल हो गया है। ये रकम रोल ओवर सहूलत के तहत पाकिस्तान को फराहम की जाएगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया, जबकि ममनू फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI के एतराजात पर समाअत का हुक्म दे दिया। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मेंबर सैम निसार दौरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने की। दौरान समाअत वकील फैसल चौधरी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का गुज़िश्ता समाअत का कोई ऑर्डर मौसूल नहीं हुआ। मेंबर निसार दौरानी ने कहा कि फरीकैन आज भी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने PTI के एतराजात पर महफूज फैसला सुनाया। फरीकैन की जानिब से वकील फैसल चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समाअत पर चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन अदालत की कार्रवाई इस्तेमाल करने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने PTI के एतराजात मुस्तरद करते हुए केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि PTI को सुनते हुए फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे करें। अदालत ने शोकास नोटिस के खिलाफ PTI के एतराजात पर इलेक्शन कमीशन का फैसला कलदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने शोकास नोटिस के खिलाफ PTI के एतराजात मुस्तरद कर दिए थे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मंजूर कर ली। यूनान में कश्ती के हादसे में लापता पाकिस्तानी शहरियों की तादाद 83 हो गई। लापता अफराद में गुजरात और गुजरावाला के लोगों की तादाद सबसे ज्यादा बताई जा रही है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूनान में कश्ती के हादसे में लापता पाकिस्तानी शहरियों की तादाद 83 हो गई। लापता अफराद में गुजरात और गुजरावाला के लोगों की तादाद सबसे ज्यादा बताई जा रही है। बरतानवी मीडिया ने यूनान में हादसे का शिकार होने वाली तारिकीन वतन की कश्ती में 400 पाकिस्तानियों की मौजूदगी का खदशा जाहिर कर दिया, जबकि बच जाने वालों ने पाकिस्तानी शहरियों के साथ बोट में जिल्लत आमेज रवैये का इंकशाफ किया है। जिला कोटली आजाद कश्मीर के एक ही घर के 4 नौजवानों समेत 21 अफराद भी अब तक लापता हैं। गुजरात में कश्ती हादसे के शिकार मौस सिद्दीक के अहले खाना ने नौजवान के इसाले सवाब के लिए दुआ करवा दी। यूनान कश्ती हादसे पर FIA ने गुजरात थाने में 3 और गुजरावाला में 1 मुकदमा दर्ज किया है। एक मुकदमा हादसे में जिंदा बच जाने वाले गुजरात के रिहायशी अजमत के भाई ने दर्ज करवाया है। FIA के मुकदमात में 12 इंसानी स्मगलर्स को मुलजिम नामजद किया गया है, जिनमें आसिफ सनियारा, साजिद वड़ाइज, रियासत राणा नक्काश और अजमत अली और एहसन शिराज के नाम शामिल हैं। 5 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि गुजरावाला के इलाका कड़ियाल कला में वाकई स्मगलर नदीम के घर पर ताले लगे हुए हैं। लापता अफराद के अहले खाना का कहना है कि नदीम अब तक 100 से ज्यादा अफराद को उन्हीं रास्तों से यूरोप भिजवा चुका है। यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने के हादसे से मुतालिक मुसाफरों ने कोस्ट गार्ड से गुफ्तगू की है, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तानी मुसाफरों को कश्ती के निचले हिस्से में जाने पर मजबूर किया गया। दूसरी कौमियत वालों को कश्ती के ऊपरी हिस्से में जाने की इजाजत थी। मुसाफरों ने कहा कि कश्ती के ऊपरी हिस्से के मुसाफरों के बचने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। कश्ती के निचले हिस्से से पाकिस्तानी ऊपर आना चाहते हैं तो उनसे बदसलूकी की जाती। खवातीन और बच्चों को बज़ाहिर मर्दों की मौजूदगी के सबब बंद जगह पर रखा गया था। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट में बच जाने वाले मुसाफिर ने बताया कि कश्ती डूबने से पहले ही पानी ना मिलने की वजह से इसमें मौजूद 6 लोग मर चुके थे। डूबने से 3 रोज पहले ही इंजन फेल हो गया था। बच जाने वालों में कोई भी खातून या बच्चा शामिल नहीं। दूसरी जानिब यूनान में पेश आए कश्ती डूबने के सानहे में जाबहक होने वाले 12 से ज्यादा पाकिस्तानियों के कानूनी तौर पर लीबिया जाने का इंकशाफ हुआ है। यूनान में कश्ती डूबने के सानहे और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से तहकीकात जारी है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अब तक 12 से ज्यादा पाकिस्तानियों की शनाख्त कर ली गई है। जमातुल अहरार और TTP से मुंसलिक अहम दहशतगर्द कमांडर सरबकफ मोहम्मद हलाक हो गया। सरबकफ मोहम्मद पेशावर पुलिस लाइंस पर हमले समेत दहशतगर्दी की मुतादित कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
जमात अल अहरार और टीटीपी से मुंसलिक अहम दहशतगर्द कमांडर सरबकफ मोहम्मद हलाक हो गया। सरबकफ मोहम्मद पेशावर पुलिस लाइंस पर हमले समेत दहशतगर्दी की मुतादित कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरबकफ मोहम्मद को मुफ्ती नूर वली महसूद ग्रुप ने जहर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी इख्तलाफात इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और कवी इम्कान है कि सरबकफ की मौत भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। दहशतगर्द कमांडर सरबकफ मोहम्मद की मौत इंतहाई पुरअसरार हालात में हुई। कुछ अरसे से सरबकफ मोहम्मद खुद को नूर वली महसूद का नेमुल बदल जाहिर कर रहा था। पहले कुछ रोज से दहशतगर्दों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सरबकफ मोहम्मद को जहर दिए जाने की इत्तलात गर्दिश कर रही थी। सरबकफ मोहम्मद एक तवील अरसे से दहशतगर्द कार्रवाइयों में मशगूल था और सरबकफ गाजी मीडिया नेटवर्क के नाम से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहरीला प्रोपेगेंडा भी फैला रहा था। सरबकफ झूठ और दहशत की अलामत समझा जाता था और इलाकाई अमन पसंद लोग सरबकफ को इंतहाई नफरत की निगाह से देखते थे। भत्ताखोरी और बदअखलाकी की वजह से अपने ही साथी दहशतगर्दों से शदीद इख्तलाफात की खबरें भी मौसूल हुई हैं। इख्तलाफात की एक वजह यह भी है कि सरबकफ का ताल्लुक जमात अल अहरार से था, जो कुछ अरसा पहले टीटीपी में जम हो गई थी। इत्तलात के मुताबिक जम होने के बावजूद दोनों ग्रुपों को एक दूसरे से इख्तलाफात रहते थे, जिसकी बुनियादी वजह अगवा और बच्चों के इस्तेहसाल के लिए इलाके की तकसीम था। सरबकफ मोहम्मद पेशावर पुलिस लाइंस हमला समेत दहशतगर्दी की मुतादित कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। इस तरह पुलिस ऑफिसर्स को नमाज की हालत में शहीद करवाने वाला अपने अंजाम को पहुँच गया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khushamdeed. Ek China se abhi tak corona case Pakistan mein nahi aaya. Kisi jarnail se sawal poocho to qaumi salamati ke upar hamla. Ab maine inke piche jana hai. Apna na laiki ko chupana. अपना मुआशी दहशतगर्दी को छुपाना। कोई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा, सना कादिर, कौकब फारूकी, फारूकी, शकील, टेक टीवी पाकिस्तान।